तो गाइज मैं और मेरे दोस्त फाइनली निकल पड़े हैं, ठीक है, जर्नी के लिए। फाइनली बस मिल चुके हैं, नॉर्मल सी बस है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है। वही तो गाइज देख सकते हो, अभी हम मेट्रो में बैठे हैं। गाइज अब तो एक्सपर्ट हो गए मेट्रो पकड़ने के, अब पता चल गया पर्पल से ब्लू, ब्लू से पिंक। ये वाली मील सोचे 100 वाली। तो गाइज अभी हम बैठे हुए नियोगो बस में। एक तो इसमें स्पेशल बात है, फुल एसी है, ठीक है, और क्या कंफर्ट है, पूरी सीट पीछे कर रखी है मैंने। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी एकदम अच्छा हूँ। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मतलब वैसे तो थका हुआ हूँ क्योंकि मैं पूरी रात से सोया नहीं हूँ, और इसलिए क्योंकि आज मैं अपनी ज़िंदगी की पहली ट्रिप करने वाला हूँ। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट है मेरे को क्योंकि मैं ना अभी मतलब कॉलेज देखने जाने वाला हूँ। हरिद्वार से सीधा नोएडा जाने वाला हूँ, अमेठी यूनिवर्सिटी। तो कॉलेज मैंने डिसाइड किया था अमेठी का। फिलहाल आज हमें ना मतलब कॉलेज देखने जाना है, मैं और एक मेरा दोस्त है, और मतलब एक्साइटमेंट की कोई सीमा नहीं है। मैं सोया ही नहीं पूरी रात, मतलब मेरे को क्या ही बताओ, नींद ही नहीं आ रही। फिलहाल अभी मैं सोच रहा हूँ, अभी 3 बज रहे हैं वैसे कि, अभी जैसे कि आप लोग देख सकते हो 3 बज रहे हैं, और अभी मतलब सुबह ही जाएंगे 4-5 बजे के आसपास। तो मैं सोच रहा हूँ कि नहावा के फ्रेश फ्रेश होके सब सामान वामान पैक तो कर ही लिया था मैंने, तो चलो देखते हैं, अभी नहावा के आता हूँ, फिर मिलते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मैं नहा के मस्त रेडी हो चुका हूँ, और माइक मैंने यहाँ पे छुपा रखा है, उसे पता नहीं चल रहा होगा आपको, ऐसे करके डाला हुआ है, मतलब दिखा देता हूँ आपको, ऐसे करके डाला हुआ है, देख सकते हो, कुछ ऐसा सा डाला हुआ है, अच्छे से आई होप दिख रहा होगा। तो मतलब ऐसा कुछ रहेगा, मतलब मस्त व्लॉगिंग करते हुए जाऊँगा, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अच्छी क्वालिटी भी तो आनी चाहिए। अभी 4 बज रहे हैं और मैं सोचूँ चाय पी लूँ, क्योंकि चाय पी के फिर सर दर्द वगैरह नहीं होगा और मस्त रहेगा, तो चलो चाय बनाते हैं। दोस्तों मैं सोचूँ कि कॉफ़ी बना देते हैं, मस्त रहेगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, कॉफ़ी बनाना चालू हो चुकी है। गाइस देख सकते हो कॉफ़ी भी बन चुकी है, मस्त इसको पीते हैं और फिर इसको पीने के बाद निकलेंगे, ये लेट्स गो। तो गाइस अब निकलने का टाइम आ चुका है, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। अब आज क्या कहते हैं, बस अच्छे से हो जाए, भगवान जी सब रक्षा करना। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो, पुराने वाले हेलमेट यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैं दोस्त के यहाँ बाइक खड़ी कर दूंगा, मतलब चिंता है, तो हम वहाँ से ऐसी ऑटो रिक्शा पकड़ के वहाँ पे जाएंगे बस अड्डे तक। ये वाला हेलमेट नहीं यूज़ कर रहा, तो चलो गाइस चलते हैं, निकलते हैं बाइक से। तो दोस्तों अभी ना बहुत ही मतलब रात हो रखी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो मेरे चारों ओर, और मैं बिल्कुल रेडी हूँ, काफ़ी मज़ा आ रहा है सुबह सुबह जाने में, सच्ची में नींद नहीं आ रही। लोग कहते थे ना कि नींद ही नहीं आती मतलब ट्रिप करने के टाइम, मतलब एक दिन पहले, सेम हो रहा है मेरे साथ, नींद ही नहीं आ रही। बाकी गाइस देख सकते हो अपनी प्यारी बाइक रेडी टू रोल, और मुझे लगता है बगल में एक नई गाड़ी है, शायद इनोवा क्रेस्टा, सही है, बढ़िया है। चलो अपने दोस्त के पास चलते हैं। तो गाइस फाइनली घर आ चुका हूँ, बाइक यहाँ पे पार्क हो चुकी है, बस दोस्त का वेट है, फिर चलते हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, फर्स्ट ट्रिप एवर। तो गाइस मैं और मेरे दोस्त फाइनली निकल पड़े हैं, ठीक है, जर्नी के लिए। आज हमारा पहला कदम है, बस सब कुछ अच्छा हो जाए, भगवान की दया से, भगवान की जी की दया होगी। तो चलो गाइस अभी निकलते हैं, अभी हमारा मेन टारगेट है रिक्शा पकड़ना, क्योंकि हम क्या कहते हैं, गाड़ी वाड़ी तो हमने रख दी, ठीक है, अब हमें रिक्शा पकड़ना है। हाँ, पहला टारगेट है रिक्शा पकड़ना, उसके बाद हम जाएंगे बस अड्डे या रेलवे स्टेशन, देखते हैं क्या रहता है। चलो अभी फ़िलहाल देखते हैं। तो गाइज़ अभी हम बस अड्डे आ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे बसेस खड़ी हैं, अभी हमें दिल्ली की बस फाइंड करनी है, तो चलो थोड़ा वेट करते हैं, देखते हैं मिल जाएगी बस, तो सही है, यहाँ देखो हर साइड बसें हैं। तो गाइज़ अभी प्लान में चेंज है, अभी हम सोचे वो पकड़ते हैं रेल, देखते हैं क्या रहता है सीन, अगर टिकट मिल गई तो सही है, टिकट से ट्रेन से जाएंगे। देख सकते हो अभी रेलवे स्टेशन आ चुके हैं, अभी टिकट का देखते हैं क्या रहता है, अभी हम अंदर एंटर करने वाले हैं यहाँ पे। तो दोस्तों वापस प्लान में चेंज आ चुका है, अभी हम फिर से जा रहे हैं बस में, वही सही रहेगा मुझे तो लगता है, क्योंकि आराम से बैठते हैं फिर आते हुए एसी करवा लेंगे, ट्रेन की टिकट में बहुत भीड़ है। तो दोस्तों बस में बैठ चुके हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो हम दोनों, ये लेट्स गो, फाइनली बस मिल चुके हैं, नॉर्मल सी बस है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, सीसी बस है, अभी देखते हैं बस, होपफुली बढ़िया बढ़िया से चले जाएँ, कुछ ज़्यादा ही नॉर्मल है, वही तो आते हुए आएँगे, बढ़िया लग्जरी बस है, अभी कोई बात नहीं, होता होता है। गाइस आई डोंट नो आपको आवाज़ आ रही होगी कि नहीं, पर अभी बस रुक चुकी है, काफ़ी शोर है, बट आई होप माइक से आवाज़ आ रही होगी। तो अभी हम रुके हैं ब्रेक के लिए, मतलब कुछ खाने पीने का ऑर्डर करते हैं। तो अभी हमने ऑर्डर किया हुआ है, अभी हमने बटर नान ऑर्डर किया हुआ है और पनीर की सब्ज़ी ऑर्डर की हुई है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पर हमारी बस खड़ी हुई, ये किनारे वाली ये हमारी बस है, और कुछ ऐसा सा ढाबा है जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मस्त है।
अभी बस दोस्त भी आ रहे हैं थोड़ी देर में, जैसे कि आप लोग देख सकते हो। आई होप आवाज़ सही आ रही होगी क्योंकि माइक लगा हुआ है और शोर बहुत हो रहा है। तो गाइस अभी हम वेट कर रहे हैं, देखते हैं जल्दी से आ जाए, बस खाना इंतज़ार हो रहा है। हाँ वही तो। गाइस देख सकते हो खाना भी आ चुका है, मस्त एकदम बेहतरीन, लेट्स गो। मेरी मानो तो ढाबे का कभी जिंदगी में मत खा लेना, आज के बाद एक एडवाइस दे रहा हूँ। इसकी दुकान की रिकॉर्डिंग कर रहा था कि इसके यहाँ से तो कतई मत खाना, इतना सड़ा हुआ खाना कि क्या बताऊँ। हमने प्लेन नान मंगाया था 20 रुपए का, उसने पता नहीं 50 रुपए का रेट लगा दिया, और जो खीरा वीरा कॉम्प्लीमेंट्री होता उसका भी रेट लगा दिया, और भी पता नहीं क्या क्या फालतू की चीजें कर रहा था। हमने एक प्लेट पनीर मंगाई थी 140 की दिखा रहा था, उसने दो दो प्लेट दे दी, मतलब एक इतनी सी थी पनीर, इतनी बेकार रबड़ जैसी अजीब सी, और क्या कहते हैं स्वाद भी नहीं, बिल्कुल बेकार, और क्या कहते हैं स्कैम भी करने में लगा हुआ। उसके बाद मतलब हम कह रहे हैं कि भाई तू फालतू में ऐसे कैसे रेट लगा दिया, तो बाद में कम करने को भी रेडी हो रहा कि भाई तुम 10 रुपए कम कर दो, मतलब फिक्स प्राइस है तो बताना, कम कैसे हो सकता है। मतलब तब बोलूंगा भाई मत खाना है, बेकार है खाना अपना, बेकार, एकदम बढ़िया रेस्टोरेंट में खाओ। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं हम दिल्ली, और बस स्टेशन पे भी जैसे कि आप लोग देख सकते हो अब मेट्रो से जाएंगे कॉलेज की तरफ। अब देखना कैसे जाएंगे, बाकी देख सकते हो कुछ ऐसा है हमारे चारों ओर। देख सकते हो गाइस अभी मेट्रो स्टेशन जा रहे हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी मतलब ये है कि थक गए बहुत ज़्यादा, अब एसी वाली बस ही करानी चाहिए थी। हम थोड़े से पैसे बचाने चक्कर में दिक्कत हो गई, कोई बात नहीं, हाँ पैसे भी लग गए फालतू के, हम जब भी पैसे बचाते हमारे वेस्ट हो जाते हैं, आपको बाद में बताऊँगा क्या सीन हुआ। बाकी तो अभी जा रहे हैं मेट्रो देखने के लिए, और काफ़ी सही है मौसम जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मस्त है एकदम, हवा तो चल रही है। ये देखो यहाँ पे KFC वेएफसी भी लिखा हुआ, और मस्त बारिश देख सकते हो, अब यहाँ पे सीन बढ़िया और रखा, इतना महंगा कोई खा ही नहीं रहा, बहुत महंगा। गाइस देख सकते हो आ चुके हम मेट्रो स्टेशन, काफ़ी बेहतरीन एक्सपीरियंस है। मैं और अपने दोस्त के साथ पहली बार आया मेट्रो स्टेशन, और ये ऐसा कुछ दिखता है मेट्रो स्टेशन जैसे कि आप लोग देख सकते हो, अब हम मतलब मेट्रो में बैठेंगे, काफ़ी सही है एक्सपीरियंस। काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, हम लोग जा रहे हैं ओखला बर्ड सेंचुरी। तो गाइस जो भी हैवी सिचुएशन हो चुकी है, हम पहली बार आया मेट्रो स्टेशन, समझ ही नहीं आ रहा कैसे चढ़ना है, हाँ तो मतलब समझ ही नहीं आ रहा कि मतलब कौन सी ट्रेन पकड़ें कैसे पकड़ें, तो वही फिगर आउट कर रहे हैं अभी, देखते हैं क्या रहता है। गाइस ट्रेन में बैठने वाले मेट्रो स्टेशन, फीलिंग है अलग ही, तो बहुत चेंज भर गई एक सेकंड में, मतलब सीट ही नहीं मिली हमें मेट्रो की, बाकी देखते क्या रहता सीन। गाइस देख सकते हो अभी हम मेट्रो में बैठे, मस्त देख रहा हूँ। गाइस अब तो एक्सपर्ट हो गए मेट्रो पकड़ने के, अब पता चल गया पर्पल से ब्लू, ब्लू से पिंक, ऐसा कुछ करके करना है ऐप में, तो चलो पकड़ते हैं दूसरी मेट्रो ब्लू वाली। देख सकते हो अभी जाएगी मेट्रो, जा रही है जा रही है जा रही है, लेट्स गो, अभी थोड़ी देर में जाएगी, बहुत तेज चलती है एकदम, तो मज़ा आ जाता है। ये गई, तो फिर से गलत पकड़ ली मेट्रो, ऊपर वाली पकड़ ली थी, नीचे वाली लेनी थी, तो चलो अब नीचे चलते हैं, सही रहेगा जो भी रहेगा सीन। और ये जा रही है ऊपर वाली मेट्रो, पर ये है कि सॉर्टेड हो गया सीन, अब जा रहे हैं धीरे धीरे अमेठी की तरफ। देख सकते हो सब कुछ है सामने, डोमिनोज भी है भाई।
गाइस अभी हम क्या कहते हैं कैब से अब वापस जा रहे हैं, मतलब मेट्रो से बस की साइड। तो चलो अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं फिर से। अभी ले रहे हैं एक्सकलेटर के मजे। ए तो गाइस अभी मेट्रो का चक्कर तो ख़त्म हो गया, अब बस पकड़ेंगे। देखते हैं बस, होपफुली एसी वाली बस मिल जाए और थोड़ा फ्रेश फ्रेश होते हैं फिर चलते हैं घर के लिए। और थक गए वैसे काफ़ी ज़्यादा, घूमना तो नहीं हुआ लेकिन फिर भी काफ़ी ख़तरनाक चीज़ हो गई। तो गाइस फाइनल टिकट हो चुकी है अपनी एसी न्यू गो वाली बस की, मस्त है एकदम। तो पहली बार बैठेंगे आधे घंटे में तो मस्त थोड़ा चिल मारते हैं। माइक मैंने डिस्कनेक्ट कर रखा है क्योंकि फ़ोन चार्ज पर नहीं था तो चार्ज लगा रहा था। बाकी देखते हैं गाइस बस पर मिल जाए तो क्या, बस पे कैसा एक्सपीरियंस रहता है वो बताऊंगा मैं आपको। बाकी अभी तो ऐसे जाते कुछ खाने पीने के लिए। गाइस अभी आया मैकडॉनल्ड, कुछ खा लेते हैं। 20 मिनट का टाइम है, देखते हैं हो पाएगा कि नहीं। ये वाली मील सोच रहे 100 वाली, तो देखते हैं। So I could see how you react. तो गाइज हो गया अपना मस्त खाना पीना, मतलब बर्गर खाया था वही देख लिया होगा आपने। अब जा रहे हैं बस में बैठने के लिए, देखते हैं बस कैसी रहती है। अभी जा रहे हैं बस के पास, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इलेक्ट्रिक बस है इसको, तो हमारी न्यू गो बस लेट्स गो। जैसा कि आप लोग देख सकते हो हम बैठने वाले हैं न्यू गो बस में, इलेक्ट्रिक बस। ये देखो गाइज न्यू गो इलेक्ट्रिक बस, बल्ले बल्ले शाओ शावा। क्या ही बेहतरीन बस है वो, तो पता नहीं अभी वीडियो बनाने पे फोकस है। यो बस देख सकते हो क्या ही बेहतरीन बस है, इसमें पानी की बोतल भी मिली है। ओ माय गॉड, और आपको एक और चीज़ दिखा दूँ, ये देखो गाइस यूएसबी पोर्ट, यू कांट बिलीव दिस यूएसबी पोर्ट है। और देख सकते हो गाइस क्या ही मज़ा आ रहा है, क्या ही मज़ा आ रहा है, मेरा दोस्त पागल हो चुका है गाइस देखो वीडियो बनाने के लिए, एकदम बेहतरीन। और मैं भी एकदम मज़ा आ गया भाई, क्या ही चल रही है बस। तो गाइज अभी हम बैठे हुए न्यू गो बस में। एक तो इसमें स्पेशल बात है फुल एसी है, ठीक है, और सेम टिकट का प्राइस है और फुल इलेक्ट्रिक है, तो पता भी नहीं चल रहा कि मतलब ढंग से चल रही है, वरना वो नॉर्मल वाली तो बदबू करती है जैसे कि आप जानते होंगे। और क्या कंफर्ट है, पूरी सीट पीछे कर रखी है मैंने, एकदम बेहतरीन। और यहाँ पे देखो पानी की बॉटल भी मिली हुई थी, और साथ में प्लस पॉइंट ये कि चार्जिंग का सॉकेट भी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये रहा देखो, फास्ट चार्ज आई गेस, आई डोंट नो, बट जो भी सही है। और पूरी बस खाली है जैसा कि आप देख सकते हो, कहीं भी बैठ जाओ मतलब सही है, तो फुल रिलैक्स होकर जाएंगे। हमने सुबह करवाई थी शायद 350 या 370 रुपये की बस कराई थी नॉर्मल वाली, इतनी बेकार, एकदम दिमाग ख़राब हो गया था, आपने देखा ही होगा पहले। अब हम इस वाली में बैठे हुए हैं, ये है ख़तरनाक, ये यही पता चलता तो सही रहता। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी रुकी हुई है, बट मस्त है। फिलहाल चलते हैं घर पर और मस्त फिर इस ब्लॉग का एंड करेंगे। तो गाइस फाइनली हो चुका है अपना, मतलब आ चुके हैं हरिद्वार, देख सकते हो वो खड़ी है बस। अब बस रिक्शा विक्शा करना है और चलते हैं घर की ओर। तो गाइस फाइनली बाइक पे आ चुके हैं जैसे कि आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों मैं फाइनली घर आ चुका हूँ और इतना ज़्यादा थक चुका हूँ ना क्या बताऊँ, एक तो सोया भी नहीं था, अब इतनी थकान हो रही है तो मुझे लगता है कि पूरे दिन तक सोऊंगा मैं, और बस ख़तरनाक ही है। और अच्छा है कि अच्छे अच्छे आ गए हम और अच्छा अच्छा काम हो गया, सही है। बस अब मैं तो
नहाऊंगा थोड़ी देर, मतलब टेम्परेचर नॉर्मल हो जाए फिर नहा के फिर थोड़ा मतलब आराम करूँगा, सोऊंगा मस्त। तो चलो इस व्लॉग को एंड करते हैं। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप का व्लॉग था जैसा भी था, तो अच्छा बना होगा जैसा भी बना होगा, तो एडिटिंग के टाइम देखेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं होते चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलेंगे हम अगली बार अगली बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 बाय। Exactly where I wanna be, I am where I wanna be. Remember the stars.